आज हम बात करेंगे रिकमेंडेड डोमेन नेम प्रोवाइडर्स और रिकमेंडेड होस्टिंग प्रोवाइडर्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एहसान दानिश। आज हम बात करेंगे रिकमेंडेड डोमेन नेम प्रोवाइडर्स और रिकमेंडेड होस्टिंग प्रोवाइडर्स। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डिटेल के अंदर बात की थी कि होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या है। मज़ीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग डोमेन नेम, होस्टिंग नेम, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अगले लेक्चर के ऊपर कि हमें कहाँ से अच्छी डोमेन्स मिल सकती हैं, चीप के अंदर डोमेन मिल सकती हैं और बहुत सस्ते में डोमेन और होस्टिंग्स मिल सकती हैं, और हमें होस्टिंग्स कैसे लेनी है, राइट। तो यहाँ पे देखें, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे मैं चलता हूँ राइट। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर आपका बजट लो है, राइट, तो आप नेमचीप को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नेमचीप को आपके लिए एक आइडियल वो हो सकता है। मैं आपको इसके प्लान्स दिखा देता हूँ और इनके ऊपर मतलब क्या क्या चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ पे आपको जो डोमेन मिलेगी वो ऑलमोस्ट लेट्स सपोज यहाँ पे जो .com डोमेन मिलेगी वो $5.98 फॉर अ ईयर आपको मिल जाएगी, और .net 9.98, और बहुत सारे एक्सटेंशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको आप बाय कर सकते हो। .us अगर आपको चाहिए $2.48 के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे और काफ़ी सारी एक्सटेंशंस मौजूद हैं। .store 1.78 बहुत ही ज़्यादा चीप फॉर अ वन ईयर, राइट। अब अगर हम होस्टिंग्स के अबाउट बात करें तो यहाँ पे हम शेयर्ड होस्टिंग के अबाउट आते हैं, तो हम अपने वर्डप्रेस के लिए शेयर्ड होस्टिंग ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें, $2.18 पर मंथ के अंदर आपको, मतलब पर मंथ आपको इसका पे करना पड़ रहा है, ऑलमोस्ट जो कि $21 पड़ रहे हैं फॉर वन ईयर, राइट। तो डोमेन और होस्टिंग मिला के आपका $25 से $26 बन रहा है पूरे एक साल का खर्चा एक वेबसाइट के ऊपर, जो कि बहुत ही मतलब मिनिमल अमाउंट है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ गोडैडी के साथ, तो यहाँ पे देखें आपको जो प्लान्स मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे इसकी निस्बत। अगर मैं यहाँ पे एक डोमेन सर्च कर रहा हूँ एहसान दानिश सपोज, और मुझे ये डोमेन चाहिए, अगर ये अवेलेबल होगी तो ये मुझे दिखाएगा कि ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखें अवेलेबल है, और यहाँ पे देखें ये कह रहा है फॉर द फर्स्ट ईयर विद अ 2 ईयर रजिस्ट्रेशन। अगर आप 2 साल के रजिस्ट्रेशन करेंगे तो $0.01 के अंदर फर्स्ट ईयर पड़ेगी, और अगले साल आपको यहाँ पे $19 देने पड़ेंगे, जो कि बहुत महंगा है। ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे फर्स्ट ईयर आपको जो डोमेन के लिए पे करना पड़ रहा था वो आपको सिर्फ और सिर्फ $5 पे करना पड़ रहा था, और नेक्स्ट ईयर कॉन्स्टेंटली आपको $9 पर ईयर पे करना पड़ रहा है, यहाँ पे $19। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए आपको ग्रैब तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये आपसे इतने पैसे निकलवाते हैं जो कि आप नहीं पे करना चाहोगे डेफिनेटली। अगर हम यहाँ पे होस्टिंग्स की बात करें कि जो होस्टिंग्स प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास गोडैडी, तो यहाँ पे देखें हम वेब होस्टिंग्स पे जाते हैं और इसके प्लान्स देखें। जस्ट आप एक होस्टिंग फर्स्ट इसका जो प्लान है वो $5.99 का है, जिसके ऊपर आप सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। अगर इसका प्लान हम देखें, ये सबसे टॉप लेवल डोमेन है $4.98 के, इसके ऊपर डोमेन है आपको अनलिमिटेड वेबसाइट 50 GB SSD, जो कि मोर देन इनफ होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलती है एज़ कम्पेयर टू गोडैडी। मेरे एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा। अगर आपका बजट बिल्कुल लो है तो आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है होस्टिंगर, ठीक है। होस्टिंगर भी एक अच्छा प्रोवाइडर है अगर आपका जो बजट है वो बहुत लो है, ठीक है। $2 के अंदर ये आपको डोमेन देंगे, यहाँ पे देखें वेब होस्टिंग $2.99, और यहाँ पे अगर हम इसका डेडिकेटेड देखें वेब होस्टिंग, तो यहाँ पे देखें इनके प्लान्स हैं $1.99 पर मंथ के ऊपर एक वेबसाइट और 30 GB SSD, और यहाँ पे देखें $2.99 के अंदर 100 वेबसाइट्स आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, जो कि इनफ हैं, आपको इतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से।
और अंटिल एंड देन कि आपको एजेंसी नहीं है। और यहाँ पे $4.99 के अंदर 100 वेबसाइट, 200 GB SSD और इतने विजिटर्स आप कर सकते हैं। फ्री ईमेल देंगे आपको, कस्टम ईमेल जैसे hello@ehsandanish.com वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। और यहाँ पे ये SSL देंगे, SSL का मतलब होता है ये, जैसे ये लॉक का आइकन है, सिक्योरिटी के लिए हमारे पास होता है, इंक्रिप्शन के लिए, इसके बारे में हम आगे डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये हो गई चीप डोमेन के अंदर, मतलब चीप डोमेन या होस्टिंग अगर आपको चाहिए बहुत ही कम प्राइस के अंदर, तो ये दो नेमचीप और होस्टिंग आपके लिए बेटर है। अब अगर आपका जो बजट है वो मीडियम लेवल के अंदर है, तो हम जाएंगे ब्लू होस्ट के ऊपर। ब्लू होस्ट एक अच्छा प्रोवाइडर है, मैं खुद डेफिनेटली यही यूज़ करता हूँ, और इस ट्रेनिंग के अंदर भी हम यही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको क्या मिलता है अगर हम शेयर्ड होस्टिंग के अंदर जाएं, तो जस्ट $2.95 पर मंथ के अंदर ये आपको देते हैं, जिसके अंदर आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं और 10 GB SSD होते हैं, जो एक वेबसाइट के लिए मोर देन इनफ होती है। अब यहाँ पे मज़े की बात है, अगर आप सिंगल वेबसाइट होस्ट कर रहे हो तो सिर्फ $35 के अंदर ये आपको एक डोमेन एक ईयर के लिए फ्री भी देंगे .com, मतलब डोमेन आपकी फ्री आ गई। टोटल $35 के अंदर आपका एक होस्टिंग का पूरा जो है सेटअप वो फाइनल हो जाता है, और इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, और सारी चीज़ें मुझे इसमें पसंद हैं, और मैं इसको पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा अगर आपका मीडियम लेवल का बजट है। और अगर आपका मजीद हाई लेवल का बजट है, फिर VPS या डेडिकेटेड होस्टिंग्स के ऊपर आप जा सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट $10 या $15 पर मंथ पे पड़ती हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमारे पास $2.95 या $1 पर मंथ हमारा पड़ रहा है। ऑन द अदर हैंड वहाँ पे आपको $10 या $15 पर मंथ के ऊपर आपको मैनेज करना पड़ेगा होस्टिंग। इनिशियली मैं आपको रिकमेंड नहीं करता वो, और हम शेयर्ड होस्टिंग पे ही काम करेंगे, राइट? तो चले, यहाँ पे आपको बेसिकली समझ आ गई होगी कि कहाँ से डोमेन लेनी है, कहाँ से होस्टिंग लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकायदा डोमेन और होस्टिंग परचेज करेंगे, और मैं आपको लाइव परचेज करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।